अनुपमा शो में अनुज का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना ने साल 2016 में एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला से शादी की थी और अब इनकी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, पर 7 सालों में अभी तक इन्हें पिता बनने का सुख नहीं मिला है। हालांकि कई बार इनकी पत्नी आकांक्षा की प्रेगनेंसी की खबरें भी सामने आई हैं, जिसे हर बार इन्होंने खारिज ही किया है। लेकिन ये पापा बनना चाहते हैं, पर ये पापा नहीं बन पाए, जिसके पीछे का दुख इन्होंने खुद बयां किया। तो क्या कहा है इन्होंने, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये अभी तक पापा नहीं बन पाए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गौरव खन्ना को अनुज के रूप में छोटी अनु के पापा बनने का सुख मिला है और वो एक अच्छे पापा भी बनकर सामने आए हैं। लोगों ने अनुज को छोटी अनु के पापा के रूप में बहुत पसंद किया और अब वो जल्द ही अनुज बने गौरव खन्ना को रियल लाइफ में भी पापा बनते हुए देखना चाहते हैं। पर शादी के 7 साल बाद भी ये पापा नहीं बन पाए हैं, ये पापा बनने के लिए तरस रहे हैं, पर इन्हें खुशखबरी नहीं मिल रही। और इसी बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा था कि शादी के कई साल हो गए हैं, हमसे सब हमारे बेबी प्लान के बारे में पूछते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, पर हम सच में बेबी के बारे में सोचते हैं कि हम भी पेरेंट्स बने, पर हमें लगता है कि हम पेरेंट्स बन ही नहीं सकते। मेरी वाइफ आकांक्षा खुद एक बच्ची है, बचपना बहुत है उनमें, जिन्हें संभालने में मैं थक जाता हूँ और मुझे पता है कि हमारे बच्चे को मैं ही संभालूंगा, ये तो बिगाड़ ही देगी। तो हम अभी और वक्त देना चाहते हैं एक दूसरे को ताकि हम और प्रिपेयर हो सकें, और हमें अपने बेबी के लिए खूब सारा पैसा भी कमाना है उसके अच्छे भविष्य के लिए। तो अभी और कुछ वक्त लगेगा, पर अब इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे हम। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि गौरव खन्ना पापा बने? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।